बीते साल से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने शुरू हुए थे, तब से दुनिया भर में लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। वही कई शोध में यह बात भी सामने आई है कि कोरोना से उबरने के बावजूद कुछ लोग मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि जो लोग कोरोना होने के बाद गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को कोविड-19 के टीके लगाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के शोधकर्ताओं ने पिछले अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा कि गंभीर मानसिक बीमारी वाले लोगों को वायरस से संक्रमित होने के बाद उनमें खराब स्वास्थ्य की वजह से मृत्यु दर बढ़ने की संभावना है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डन स्किंडिन ने कहा कि अगर एक वैक्सीन जिसे सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है और जो विकसित की जाती है, तो इसे गंभीर मानसिक बीमारी वाले लोगों को अन्य प्राथमिकता समूह के साथ शामिल किया जाना चाहिए। इसमें बुजुर्गों और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वही प्रोफेसर डन सिस्कंद ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस काम को करने में जो कठिनाइयां आई उनको दूर किए जाने के उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि हाल ही में टीकाकरण कार्यक्रमों से जो नतीजे सामने आए उन्हें देखते हुए लोगों को व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों स्तर पर टीकाकरण करने में कई चुनौतियों का सामना आ सकता है, क्योंकि वे टीकाकरण जैसे निवारक उपायों को अपनाने के लिए शायद जल्दी तैयार न हो। इसकी वजह यह है कि मानसिक बीमारी वाले कुछ लोग यह मान सकते हैं कि टीके असुरक्षित है, या वे यहां तक कह सकते हैं कि ये बीमारी का कारण भी है। ऐसे में उन्हें मौजूदा शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का उपयोग करने का सुझाव दिया और मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिकों से टीकाकरण को बढ़ाने में मदद करने को कहा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।